अभी मुझे ये कुछ कुछ सिटी के लेवल की लग रही है, इसका टॉक और जो इसका पावर फिगर है वो नेक्सॉन की इससे ज्यादा बेटर है, तो वो पावर आपको नेक्सॉन में ऑब्वियसली ज्यादा देखने को मिलेगी। बट हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स, एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मिलाता हूँ हमारे गेस्ट से। इनको आपने हमारी पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा, जो हमने टाटा नेक्सॉन का ओनरशिप रिव्यू किया था, उसमें आपने इनको ऑलरेडी आप उनसे मिल चुके हो। तो दोबारा मिलते हैं उनसे एंड जानते हैं इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ फिर से दोबारा जुड़ गए हैं मिस्टर हरीश। और हरीश जी, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम शेयर करेंगे गाइज आपसे हुंडई वेन्यू, और आज ये चला के दिखाएंगे हमें हुंडई वेन्यू और बताएंगे कि उनको क्या डिफरेंसेस फील हुए ये टाटा नेक्सॉन ओन कर रहे हैं। और जैसे कि हमने हमारी पुरानी वीडियो में इनके ओनरशिप एक्सपीरियंस देखा ही होगा, तो आज ये हुंडई वेन्यू चला के देखेंगे और बताएंगे कि उनको क्या डिफरेंसेस लगा है। तो काम करते हैं, सीधे गाड़ी में बैठते हैं और चला के देखते हैं कि इस कार में आपको क्या डिफरेंसेस लग रहे हैं। ओके रीश, जैसे आप अब इस कार में बैठे हो और आपने इसके इंटीरियर देखा और आपने नेक्सॉन ऑन कर रहे हो, नेक्सॉन का देखा, तो क्या डिफरेंसेस लगा पहले आपका फर्स्ट इम्प्रेशन कार में बैठते ही? काफ़ी फीलिंग लग रही है मुझे, स्पेशली आप फिनिशिंग देखिए बहुत बढ़िया है, मतलब नो डाउट हुंडई ने फिनिशिंग पे बहुत अच्छा काम कर रखा है। अभी बाकी हम इसको चला के देखेंगे कि इसकी इंजन की स्मूथनेस कैसी है। गाड़ी एक प्रीमियम रेंज की लगी, जिसमें बोलते हैं कि अगर आप बैठोगे फिट एंड फिनिश, दो चीज़ें स्पेशली अगर आप किसी भी चीज़ को लेते हैं तो सबसे पहले वो देखी जाती है, इसकी फिट फिनिशिंग और कहते हैं इसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, जो कि डुअल टोन में दिख रहा है मुझे, स्पेशली काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। बाकी व्यूज़ काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने नेक्सॉन में है देखा है, नेक्सॉन में भी थोड़ा सा मुझे व्यू का जो आपका ए पिलर है वहाँ पे काफ़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखती है, और इसके अंदर जो आपका हेड स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छा है, हेड स्पेस बहुत अच्छा है, मतलब अगर कोई अच्छी हाइट का बंदा बैठा है उसके लिए भी काफ़ी बढ़िया रहेगा गाड़ी, नो डाउट। और सीटिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो फ्रंट सीट आपको कैसी लग रही है, अगर कंपेयर करें टाटा नेक्सॉन से तो इसकी कंफर्ट क्या है फ्रंट सीट में? सीट मुझे कंफर्टेबल लग रही है, हालांकि थोड़ा सा मैं ये बोलूँगा कि टाटा नेक्सॉन के अंदर जो आपका थाई सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा है, उसकी सीट थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड है अगर लगता है। यस, बट नो डाउट इसकी सीट में भी कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया सीट है। आप मतलब तो कंफर्ट वाइज फ्रंट सीट्स आर लाइक ओके है, मतलब अच्छी है? बिल्कुल 19-20 का अंतर है, 19-20 ज्यादा अंतर नहीं है, नो डाउट। ओके, तो अब हम कार चलाते हैं एंड देखते हैं कि इस कार का ड्राइव रिव्यू कैसा लगा आपको, क्या कार में पावर में, कार के गियरबॉक्स में, क्लच में कितना आपको लगा डिफरेंसेस अगर कंपेयर करें टाटा नेक्सॉन से। sure, तो गाड़ी sure. को चलाते हैं एंड फिर देखते हैं कि कैसे है। ठीक, चलिए। तो हरीश, बात की जाए, कार आपने अभी चलाई तो आपको कैसा लग रहा है कि कार में जो आपने जैसे कार पिक करी है, तो कार पे जैसे आपने उठाई कार, तो फर्स्ट कहीं पे आपको लैग फील हो रहा है कार में या? बिल्कुल नहीं, इंजन बहुत स्मूथ है और स्पेशली गियर बॉक्स तो बहुत ही मक्खन एकदम, आई थिंक मैं कहूँ तो मक्खन है, और स्टेयरिंग तो और भी हल्का है। ओके, अगर बात करूँ मैं गाड़ी का पिकअप कैसा है, तो पिकअप बहुत अच्छा है, गाड़ी अच्छी भाग रही है, गाड़ी और ऑब्वियसली वो चीज हम टाटा नेक्सॉन से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज़ उसमें टर्बो है तो वो टर्बो का उसका रिस्पांस ही अलग है। अगर उसमें भी टर्बो आपका एक टाइम के बाद स्टार्ट होता है, वो आपको 2000 आरपीएम के ऊपर आपका टर्बो एक्टिवेट होता है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो नो डाउट कितना स्पीड सेम है। और जैसे उसमें आपको तीन डिफरेंट मोड मिलते हैं, इको, सिटी एंड आपका स्पोर्ट्स मोड, अगर मैं कंपेयर करूं इसको जो आपने चलाया तो किस मोड से आप उसको कंपेयर करोगे कि मेरे को उतनी पावर मिल रही है उस मोड जितनी? अभी मुझे ये कुछ सिटी के लेवल की लग रही है, इको में एक थोड़ा सा पावर कम लगती है, लेकिन सिटी के अंदर पावर इसके लेवल की है। तो मतलब सिटी से स्पोर्ट्स में ऑब्वियसली स्पोर्ट्स में पावर उसकी बहुत ज्यादा आ जाती है, और वैसे भी कंपेयर करूं इसका टॉर्क और जो इसका पावर फिगर है वो नेक्सॉन की इससे ज्यादा बेटर है, तो वो पावर आपको नेक्सॉन में ऑब्वियसली ज्यादा देखने को मिलेगी। बट बात करूं यार मैं इसके क्लच की, तो इसका क्लच आपको कैसा फील हो रहा है? क्लच तो बहुत ही हल्का है, मक्खन, जो कि मेरे टाटा नेक्सॉन में भी अब
मुझे फील होता है बीच में मेरे को एक बार प्रॉब्लम आई थी, थोड़ा सा क्लच हार्ड हो गया था, बट कहते हैं जो इसका क्लच है नो डाउट बहुत बढ़िया है। ओके तो अगर कंपेयर करूँ या जैसे इंजन नॉइस आपको आ रही है, कैबिन नॉइस कहीं पे आपको फील हो रही है? नो, बिकॉज ये फोर सिलेंडर गाड़ी है तो इसमें कंपेरेटिवली नेक्सॉन के इसमें ना के बराबर ही है, इनफैक्ट आपको फील भी नहीं होगा कि गाड़ी स्टार्ट है। नहीं, अगर आप वही चीज बोल रहा हूँ कि इसमें कहते हैं बिल्कुल फीलिंग नहीं आ रही, इंजन इतना स्मूथ है कि हमें पता भी नहीं चल रहा कि इंजन ऑन है या नहीं। जैसे मैं इसकी MID में देख पा रहा हूँ कि इसके अंदर मेरे को एवरेज मिल रही है अराउंड 17 की, जबकि मेरी टाटा नेक्सॉन के अंदर मुझे मैक्सिमम जो एवरेज मिलती है इन सिटी वो 10 से 12 की मिलती है। सो ये भी एक इशू है। तो मतलब आप बोल रहे हो कि इसकी एवरेज कंपैरेटिवली टाटा नेक्सॉन से बेटर है? यस ऑफ कोर्स, इसका इंजन काफी रिफाइन है और ये मुझे पहले से पता था, बट मुझे थोड़ा सा एक सेफ्टी के पर्पज से गाड़ी चाहिए थी इसलिए मैंने टाटा नेक्सॉन को चुना। नो डाउट अगर बाकी अदर फीचर्स के बारे में मैं देखता तो मैं जाहिर है मैं वेन्यू ही चुनता। ओके, मतलब ये थी आपके लिस्ट में? या मेरे लिस्ट में वेन्यू भी थी और एक दो गाड़ियां और थी। ओके, तो मतलब नो डाउट वेन्यू भी काफी, मतलब मेरे हिसाब से अगर वेन्यू कहीं लैग करी थी तो वो सेफ्टी में, जो कि इतनी बुरी नहीं है अगर आप देखा जाए तो इसकी जो सेफ्टी रेटिंग है वो भी 4 की है आई थिंक। सो बुरी नहीं है, बट मुझे एक 5-स्टार गाड़ी चाहिए थी जिसके चक्कर में मैंने टाटा लिया है, और एक थोड़ा सा जो बोलते हैं ना आप स्वदेशी, मेक इन इंडिया, सो उस पर्पज से भी मैंने इसको लिया है। तो आपको मेक इन इंडिया प्रोडक्ट चाहिए था? हाँ जी। कार की अगर मैं बात करूं ब्रेकिंग की तो आपको इसकी ब्रेकिंग कैसी लगती है टाटा नेक्सॉन से अगर मैं कंपेयर करूं? इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, जस्ट लाइक टाटा नेक्सॉन की भी ब्रेकिंग काफी अच्छी है, और इस पे और मुझे इसके सस्पेंशन भी अच्छे लगे हैं, काफी कंफर्टेबल है। मतलब बीच में हमारे को एक दो खड्डे भी मिले हैं जिनके अंदर से गाड़ी गई है बट पता नहीं चला। ओके, इवन पीछे बैठे हुए पैसेंजर जो हैं उनको भी नहीं पता चला होगा कि हमने पीछे गाड़ी किसी खड्डे में से लेके गए हैं। काफी अच्छी चल रही है गाड़ी। सो अगर फाइनली मैं आपसे ये पूछूं कि लाइक आपको ओवरऑल कैसा लग रहा है इसका ड्राइव रिव्यू अगर आप देना चाहो, कैसी आपको लगी ये कार चला के, क्या फील आया आपको? मुझे बहुत बढ़िया लगी गाड़ी, नो डाउट कहते हैं परचेज करनी चाहिए। तो गाइस जैसे आपने देखा टाटा नेक्सॉन के ओनर से हुंडई वेन्यू का फीडबैक, तो इनको ये गाड़ी बहुत पसंद आई और इनके हिसाब से फन टू ड्राइव गाड़ी है, गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, गाड़ी का इंजन बहुत साइलेंट है, एंड गाड़ी में पिकअप एंड पावर को लेके इनको तो कोई इशू नहीं लगा। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।